वो इस तरह फिर मेरे दिमाग च आया भी जे लोग इदा भी खर्च करते इन्ना कुछ करते ताज महल भी बनया वा सगे बाबा का कि मैं अपनी अपने माँ प्यो वास्ते कुछ नहीं कर सकता। जी एक ताजमहल बन सकता वा महबूबा की याद वास्ते कि माता की याद में माँ प्यो याद में माँ प्यो की मूर्तियां नहीं बन सकती संगे बंद से। उन्होंने जो रिक्वायरमेंट दसी वो मैं कुछ नाल लै गया है थोड़ी तस्वीर ये तुम्हें पता भी तस्वीर तो गया तस्वीर बनी। फिर उन्हें आख्या भी अही इस तरह यदा 2.5 फुट का ब्लॉक होगा 2.5 फुट के फोटो बनूगी तो इस तरह बनूगी इदा बनूगी। मैं जी फोटो जो तस्वीर बननी है स्टैचू मेरे मदद बनना चाहिए बनना चाहिए पैसे ताड़ी मदद के पैसे उन्होंने मैं बाद चे कुल समा जी कोई 2.5 to 3 महीने लग गया 3 महीने लग गए 3 महीने बाद साढ़े को अगस्त 2020 मूर्तियां बन के बिल्टी के रूप में बाय ट्रक छोटा ट्रक वो आई गई। उन्हें कवर चढ़िया है प्लास्टर का तो एवं लगे भी जिदा साड़ी माता पिता साढ़े बाहर जा के बह गए साढ़े नाल रोटी खाने चौंकड़ी वाल भी बैठे सत श्री अकाल पंजाबी नैशनल टीवी देख रहे दर्शकों का मैं प्रदीप अरोड़ा हार्दिक स्वागत करता हाँ। जिथे एक तस्वीर सामने नज़र आउंदियां हन कि अज दे जो कुछ नौजवान हन वह अपने मापियां नूं वृद्ध आश्रम छड्ड आउंदे हन पर एक तरफ दूसरी तस्वीर भी नज़र आउंदी है जिथे मापियां दी कुछ बच्चों वालों बड़ी सेवा भी की जाती है उत्थे तुहाडी मुलाकात अज असीं जेस पुलिस अधिकारी नाल करवाउण जा रहे हैं। उन्हां दे मापे रुखसत होने तो बाद भी उन्होंने उन्होंने जिंदा रख्या होया है। जिंदा किस तरह रख्या होया है तुसी मेरे पिछे जो तस्वीर देख रहे हो यह वह पुलिस अधिकारी दे माता पिता हैं जिन्हों का उन्होंने एक स्टैचू तैयार करवाया होया है और जब भी वह सवेरे उठते हैं उठन तो पहला इन्हों नमस्कार करते हैं उस तो बाद ही वह अपनी ड्यूटी उत्ते जाके अपना काम करते हैं। सो साढ़े नाल वह पुलिस अधिकारी मौजूद हैं उन्होंने गलबात करते हैं। हाँ जी भाई साहब किस तरह जहन दे विच आया कि मापे तो दुनिया तो जा चुके हैं पर उन्होंने मैं अज भी जिंदा रखा यह जहन दे विच किस तरह आया और यह जो असी पिछे तुहाडे द्वारा तैयार करवाइया गई मूर्तियां देख रहे हैं इस नूं कित्थों तुसीं बनवाया? नमस्कार जी सत श्री अकाल जी। गल इस तरह जी भी मेरे मन च विचार इस तरह आया भी सुनीदा ही वेखीदा भी आ भी शाहजहां ने अपनी महबूबा वास्ते ताज मह संगे मरमर का ताज महल बनाता। कई लोग यहोजे भी है जिन्होंने अपन घरवालिया वास्ते महबूबा वास्ते बड़ा कुछ किया अलीशान शान कोठियाँ महल माड़िया बड़ी बड़िया कोठियाँ गड्डिया होर कुछ भी जो भी डिमांडा वो कर दिया तो पूरी होंगे। जेकर माँ प्यो कोई डिमांड करता वा अपने बच्चे अगे तो उदों वो कहणगे जी एक साडा बजट थोड़ा सही नहीं तो मम्मी कोई गल नहीं अगले महीने तेरी अखा बनवा देंगे आप भावे वो 10,000 रुपये की दारू पीजे दोवें बंदे बैठा। वो इस तरह फिर मेरे दिमाग च आया भी जे लोग इदा भी खर्च करते इन्ना कुछ करते ताज महल भी बनया वा संगे बाबर का कि मैं अपनी अपने माँ प्यो वास्ते कुछ नहीं कर सकता। मैं जो उन्हां दे गुजरन तो बाद बहुत परेशान ही टेंशन ची भी मैं करना बनया की आ रब वर्गे मेरे माता पिता जो चल गए पहले पिता ही चल गए तो उस जाने तो बाद साड़ी माता ने सानू संभाल लिया बहुत कोई गल नहीं विधि का विधान आ जड़ाया उन्हें जाना ही जाना कोई गल नहीं सब को मैं हैगी हाँ
जो उन्होंने हौसला दिता तो अं उस चीज़ को मन गए, लेकिन जो ये चल गए फिर सानू कहीं हौसला देना है। फिर असी मैं इस चीज़ वाल तुर पिया भी मैं अपनी माता पिता को अपने पास बुलाना वा, किस तरह बुलावा, किदा लिया, सोचते रहना सोचते रहना, सोचद्या फिर आया भी क्यों ना इन्हों मूर्तियां संगमरमर बनाइए। जे एक ताजमहल बन सकता वा महबूबा की याद वास्ते कि माता की याद में माँ प्यो याद में माँ प्यो मूर्तियां नहीं बन सकदियां संगमरमर दी। फिर मैं इस तलाश में निकलिया तो कामयाबी हासिल की। तो मैं तुम ये दसो कि जो तुम इस चीज़ थोड़े जहन के आँदी है कि मैं अपने माता पिता दी मूर्तियां तैयार करवाइयां, तो तुहानू ये चीज़ कितों पता लगी कि इस ही जगह के उत्ते जाके मूर्तियां तैयार हो सकदियां ने? ਇਹ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਗੂਗਲ ਬਣਾਇਆ, ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰ ਸਟੈਚੂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਸਟੈਚੂ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦੇ ਆ ਸੋਚ ਤਾਂ ਲਿਆ ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਸਟੈਚੂ ਲਿਖ ਕੇ ਅਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਗੂਗਲ ਨੂੰ, ਗੂਗਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜੈਪੁਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਐਡਰੈਸ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਦੋ ਚਾਰ ਜਣੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਚੱਲ ਜੈਪੁਰ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਫੜੀ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੇ ਤੜਕੇ 7:30 ਵਜੇ ਲੱਗ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣੇ ਦਿਖਾਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ, ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ, ਚਾਰ ਗਾਂ ਗਾਂ ਚੱਲ ਚੱਲਦਿਆਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਾਈਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਆਹ ਕਲਰ ਕਰਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਅੱਧੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਾਠ ਕਾਠ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੀ, ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੱਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਗਾਂ ਤਸਵੀਰ ਬਣਨੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ 2.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਬਲੋਕ ਹੋਊਗਾ, 2.5 ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੋਟੋ ਬਣੂਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੂਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਬਣੂਗੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਫੋਟੋ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਬਣਨੀ ਆ ਸਟੈਚੂ ਮੇਰੇ ਮਦਦ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੇ, ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀਤੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੋਟੋਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਉਹ ਦੋ ਸਾਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੈਂਟਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਭੇਜਤਾ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੁੱਲ ਸਮਾਂ ਜੀ ਕੋਈ 2.5 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, 3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ। 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਬਿਲਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਏ ਟਰੱਕ, ਛੋਟਾ ਟਰੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਕੀ ਸੀ? ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹ ਕੋਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਕਾਰੀਗਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਾਰੀਗਰ ਨੂੰ 2 ਕੀਤਾ 4 ਕੀਤਾ 5 ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬਣਦੀ ਸੀ ਮੂਰਤੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ 3-4 ਵਾਰਾਂ ਗਿਆ ਵਾਂ, 1 ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ, 3 ਵਾਰਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰੋਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ? ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬੋਕਸਾਂ 'ਚ ਪੈਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਕਿੰਗ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ ਨਾਲ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ,
अंडे ही खोल के तहे सपुरद कर दिया वा भी कल ना हो तुम आप खोलद तोड़ लो किराया को भी किराया गया ठीक है जी। उन्होंने घर पहुँचाने तक मतलब कि उन्होंने बिल्कुल वधिया तरीके जो खोलिया मूर्तियां उन्होंने तो थर्मोकोल लाई उन्होंने कवर चढ़िया प्लास्टिक का तो एवं लगे भी जिदा साड़ी माता पिता साढ़े बाहर ही आके बह गए साढ़े नाल रोटी खाने चौंकड़ी वर्ग बैठे हाँ जी। जो मूर्तियां खोल दिया ने फिर तुम होर भी रिश्तेदार सद्दा दिता या परिवार के मैंबर ही मौजूद उस समय? नहीं उदों लॉकडाउन दियाँ थोड़िया जी पाबंदियां ही नाले ये चीज़ें मेरी अपनी साढ़े परिवार का अपना फैसला ही साढ़े परिवार की साढ़े माँ प्यो ही ना कि प्रदर्शनी मैं किसी रिश्तेदार नहीं बुलाया ना किसी रिश्तेदार दसिया भी अं जो मूर्तियां लैन का वा जा बनाइया वा हाँ छोटे भरा ने एक दो रिश्तेदार दसिया है लेकिन मैं नहीं किसी ना गल की भी असं मूर्तियां बना रहे हैं क्योंकि मैं समझदा ही मेरे मन च ये ख्याल आता है भी लोग मेरा मखोल ना डाउन भी ये पागल हो गया वा भी मूर्तियां बनाऊंगे पर मैं किसी ना गल नहीं की फिर जो किसी जिन जिन पता लगता है वो बहुत खुश हुए रिश्तेदार कि ये बहुत चंगा किया मेरा नाम छोटा बिट्टू है मैं कहते बिट्टू तू बहुत वधिया किया बिट्टू बहुत वधिया किया। तो हुण जो घर रिश्तेदार आते हैं चाहे वह नानकिया च होण चाहे वह तुहाडे दादकिया दे विच होण तां किन्नी कु खुशी आन के तुहाडे नालों मनाउंदे आ? देखो जी खुशी तो जी बनानी वो तो मनानी आ पर मेरे नानके खास करके वो बहुत ज़्यादा इतों खुश होंगे वो बहुत सत्कार करते मेरी माता जी का बहुत ज़्यादा करते हाँ जी। तो हूँ भाजी फिर जो तुम सवेरे उठते हो तो उठ के फिर पहला उन्होंने नमस्कार करते हो तो फिर तुहाडे बच्चे सारा परिवार पहला शुरुआत तुहाडे दिन की शुरुआत इस तो होंगी है? देखो जी जड़ा जड़ा तैयार हो जाता वा जिन्हें जिन्हें जाना हों ज़्यादातर तो मैं ही जाता वा बाद ड्यूटी मैं ही करता बाकी सारे घर के करते हैं जो बच्चे आ वह भी मेरे जाने तो बाद ही स्कूले जाते स्कूल कॉलेज जाते तो मैं तो तैयार होने तो बाद मत्था अपना टेक के फिर जाना वा वाइफ मेरी आ सवेरे उठती है सारे तो पहले वो सवेरे उठती है पाठ पूजा करती है पाठ पूजा करके उन्हें नमस्कार करके उन्होंने चरनी पैरी हाथ ला के तो फिर उन्हें चाह बनानी है तो चाह बना तो बाद फिर मेरे दिन की शुरुआत होनी है फिर मैं इशनान पानी वाल हुआ पहला मैं बैड ही पीना हाँ जी। एक गल भाजी कही जा सकती है कि एक समा सी जो मापे चले गए पर जो तुम इन्हों एक मूर्तियां के रूप के घर लिया तो मापिया की कमी जी पूरी होगी? मापिया की कमी तो नहीं जब पूरी होंगी लेकिन यह भी उन्होंने इन्होंने स्टैचू वेख के अं कुछ राहत महसूस जरूर करते हैं कि साढ़े बेचे हाँ इन्हों वेख के तो इन वालों कई हुई गल् जो साढ़े जहन च आदि वा तो अं फिर उन्होंने गलों दोबारा याद करते जो दोबारा याद करते हैं तो उन्होंने फिर अमल भी करते हैं जी हाँ जी। अजी उन्हों जिहड़े अज का यूथ आ उन्होंने की तुसी मैसेज देना चाहोगे जिहड़ा अज का यूथ आ अक्सर देखने चाहिए देखते हैं गए अखबारों दे सुर्खियां बनदियां ने चैनल्स दे विच भी खबरां चलदियां ने कि अज के कुछ नौजवान ने कुछ परिवार ने जिहड़े अपने बजुर्ग मापियां नूं जिहड़ा हैगा उह सड़कां दे उत्ते रोलदे होए छड्ड दिंदे ने। बहुत जी बहुत इहो जिहे केस आ मैं अपने महकमा पुलिस विच हुण करके साडे कोल ते रिलेटड इहदे नाल रिलेटड शिकायतां बहुत आउंदी रहिंदियां मेरे को ही सैकड़े शिकायत आई होर भी थानदार साहब आ एस एच ओ साहब आ सीनियर अफसर आ उन्होंने को भी जाए फिर हेठा डाउन मार्किंग होंगे साढ़े को आदियाँ वो जेडे बहुत लोग आ जोड़े कलेष का कारण बन के तो अपने माँ प्यो अपने दूर कर देंगे ने जो दूर हो जाते हैं बहुत ज़्यादा एक तो जायदाद आ जायदाद भी कारण बनती है मोबाइल अजक मोबाइल चल पे आ माँ प्यो ने ता प्यार नहीं पैन दिता मोबाइल जोड़ा जमदा बच्चा जोड़ा उन्होंने तुम कहते बच्चा सुता हों रोंद वा तो उन्होंने माँ वे हाथ मोबाइल फड़ा दी है वह फोन वेखदा 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 वो मतलब कि अच्छ होर पल के होर व्डा हो जाता तो वह जो गतिविधियां वो जीडिया वो माँ पक्षी नहीं होंगे प्यो पक्षी नहीं होंगे वो मोबाइल पक्षी होंगे वो मोबाइल ही वह माँ प्यो मोबाइल ही रब आ मोबाइल ही वो रोटी आ रोजी आ
वो ही बिजनेस करते अच्छा लोग बच्चे जोड़े आ बहुत बिजनेस करते तुम भी बिजनेस करते जी मोबाइल से वीडियो बनाते जी इस करके जो नैट आ जिते फायदा वा उ दुरप्रयोग भी बड़ा हो रहा वा वो सैड इफेक्ट भी बड़े हो रहे ये भी एक इस टाइम से जोड़ा एक घातक सिद्ध हो रहा वा परिवार प्यार नहीं पै रहा परिवार से। सो ये सन साढ़े नाल ASA दिल अवतार सिंह जी जिन्हों वालों अपने मापिया की जो मूर्त तैयार कराई गई है उसके नाल इन्हों का कहना है कि उन्होंने उन्हों का जो ना होने का एहसास है वह नहीं होंगे और सवेरे उठते समय ही यह उन्होंने पहला नमस्कार करते हैं और उस तो बाद ही अपनी ड्यूटी उत्ते जाते हैं। सो तुसी पंजाबी नैशनल टीवी के नाल जुड़े हुए श्री अमृतसर साहब तो प्रदीप अरोड़ा।